ईद की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई सोफे के ऊपर ही डन हो गया। जब मेरी आंख खुली तो 2 बज रहे थे और हाँ यस, मैंने जोहर की नमाज मिस कर दी। मुंह धोने से भी पहले मैंने किचन में जाना जरूरी समझा क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी और वहाँ जाकर तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। आज हमारे घर में बन रहा था गाय के गोश्त का पुलाव। गाय के गोश्त के पुलाव को बनने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे तो मैंने फटाफट जोहर के 4 फर्ज अदा किए और कुरान पाक पढ़ के अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ मांगी और साथ ही साथ ये दुआ भी मांगी कि अल्लाह इन यहूदियों का सत्यानाश करे, बेड़ा गर्क करे, आमीन जरूर लिखना कमेंट सेक्शन। अब तक गाय के गोश्त का पुलाव भी तैयार हो गया था, मैंने फटाफट चावल से ज्यादा गाय के गोश्त की बोटियां डाली और भाई साहब क्या टेस्ट था, उफ आए हाय हाय, इतनी नरम नरम, इतनी गरम गरम बोटियां दांतों में भी फंस ना पाए। खैर अगर तुम भी गाय के गोश्त की बोटी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके जरूर